हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमआरएफए को लेकर के आई एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो शायद आज तक एमआरएफए के डिले का प्रमुख कारण रही है, लेकिन अब ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। और इस खबर के आने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अगर डसाल्ट एविएशन अपने जिस पर अड़ी रही तो एमआरएफए प्रोग्राम भारत का फाइनलाइज होगा या फिर भारत को किसी और फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ देखना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि एमआरएफए का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बात भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी मानी है और अलग अलग मीडिया वक्तव्यों में उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि एमआरएफए प्रोग्राम बढ़ेगा आगे और आने वाले 3 से 4 महीने में हमें जो बड़ी अपडेट्स हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन डसाल्ट एविएशन को लेकर के एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। हम सब जानते हैं कि एमआरएफए के अंतर्गत जो फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे उनमें मेक इन इंडिया क्लॉज को ऐड किया गया है, जहां पर इनके लोकल प्रोडक्शन को तवज्जो दी गई है और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं इनको इस चीज़ के लिए बाध्य किया गया है कि ये भारत में ही जो एयरक्राफ्ट है इनका निर्माण करें। अब डसाल्ट एविएशन जो कि ऑलरेडी 200 से ज़्यादा यूनिट्स का ऑर्डर प्राप्त कर चुकी है और लगातार उनको बनाने में संघर्ष कर रही है, तो अब इंडियन गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी है उसको लेकर के उनके तरफ से कुछ जो हेजिटेशन है वो देखने को मिली है। दरअसल डसाल्ट एविएशन सब कुछ मानने के लिए तैयार है, लेकिन जब बात आ रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की तो यहाँ पर जो डसाल्ट एविएशन है वो काफ़ी हेजिटेट कर रही है। वो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। उनका ये मानना है कि ये जो एडवांस एयरक्राफ्ट है इनकी जो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है इस पर एक बार फिर से भारत से बातचीत करनी पड़ेगी और कोई जो समाधान है वो निकालना पड़ेगा। जबकि भारत इस चीज़ पे टिका हुआ है कि एमआरएफए के अंतर्गत वही फाइटर एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किए जाएंगे जो भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और ज्वाइंट वेंचर का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे, और ऐसे में जो फुल फ्लेज प्रोडक्शन है इनका ये भारत में ही किया जाएगा। अब इसके लिए उनके पास दो ऑप्शन है, या तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं ये पब्लिक सेक्टर जो कंपनी है जिसमें HAL हो गई और दूसरी कंपनी हो गई इनके साथ कोलैबोरेशन को फॉर्म करें, या फिर अपने मन मुताबिक जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं इनके साथ कोलैबोरेशन को फॉर्म करके एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में ही शुरू करें। अब ये जो बिड है इसको लेकर के रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि अगले 3 महीने में जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये मिलने वाली है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। लेकिन अगर डसाल्ट एविएशन यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के हेजिटेट करती रहती है और सहमति नहीं बन पाती है तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि भारत को एक बार फिर से गौर करना पड़ेगा। आपको बताते चलें कि अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ना हुई तो एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि भारत की जो आत्मनिर्भरता की पॉलिसी है इस क्षेत्र में ये बुरी तरीके से प्रभावित होगी और भारत में इन एयरक्राफ्ट के निर्माण में भी जो संशय के बादल है वो मंडराएंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि डसाल्ट एविएशन एक लेवल तक एग्री हो सकती है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर के, तो वो सहमत नहीं है कि डसाल्ट एविएशन से उनको मिलेगी, लेकिन एक सर्टन लेवल तक जो TOT है ये भारत को दी जा सकती है। आपको बताते चलें कि पहले भारत ने 36 की संख्या में राफेल फाइटर्स को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया है और अभी हाल ही में जो राफेल M है इनके बेस प्राइस को कंफर्म कर दिया गया है, जिसके बाद डील कभी भी फाइनलाइज हो सकती है। माना जा रहा है किसी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले या इस साल के खत्म होने से पहले जो डील है ये ऑफिशियली साइन कर ली जाएगी। आपको बताते चलें कि इसके पहले डसाल्ट के लोकल प्रोडक्शन की उम्मीदें ज़्यादा तब जगी थी जब नितिन गडकरी सर ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि नागपुर में जो राफेल फाइटर्स हैं ये बनने वाले हैं। राफेल को फ्रंट रनर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी भारतीय वायुसेना में ये ऑपरेशनल है, भारतीय नौसेना भी लेने वाली है, तो ऐसे में कंपैटिबिलिटी इशू जो है वो ना हो पाए इसलिए जो राफेल हैं वही सबसे बड़ा यहाँ पर ऑप्शन है। क्योंकि अगर हम दूसरा एयरक्राफ्ट सेलेक्ट करते तो हमारे लिए लॉजिस्टिक से लेकर के जो फाइनेंशियल बर्डन है ये बढ़ता रहेगा और ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की दिक्कतें भी बढ़ती रहेंगी। लेकिन अगर डसाल्ट एविएशन इन सारे क्लॉज को मानने में आनाकानी करती है तो फिर भारत को इसमें एक बार फिर से पुनः विचार करना पड़ेगा। भारतीय वायुसेना इस समय जो MRFA प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं इनको इवेल्युएट कर रही है कि MRFA के अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट हैं ये कहाँ पर बन सकते हैं, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, लोकलाइजेशन और अपग्रेड की जो एबिलिटी है वो कितनी होगी, और क्या हमें हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ये चीज़ें भी MRFA को लेकर के इवेलुएट की जा रही हैं। टेंडर प्रोसेस को लेकर के जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है उसमें इस वर्ष के अंत से पहले जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये प्रदान किए जाने की बात कही जा रही है। भारतीय वायुसेना को 42 एक्टिव स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन अभी ये संख्या 30 से भी कम होने वाली है क्योंकि भारतीय वायुसेना ने ऑलरेडी अपने जो MiG-21 फाइटर्स हैं इनको नाल एयरबेस में डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है, जहां पर इनको फाइनल रिटायरमेंट जो सेरेमनी है आयोजित करके इनको रिटायर कर दिया जाएगा। 2025 तक MiG-21 पूरी तरीके से सर्विस से बाहर कर दिए जाएंगे, जिसके बाद एक गैप क्रिएट होगा और ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को अपने जो 42 स्क्वाड्रन का टारगेट है ये MRFA तेजस मार्क 2 और AMCA की सहायता से पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई कह सकते हैं त्वरित जो हमारे पास निवारण है इस समस्या का ये उपलब्ध नहीं है।
कंपीटिंग एयरक्राफ्ट की बात करें तो MRFA प्रोग्राम के अंतर्गत राफेल इकलौता नहीं है। राफेल को कड़ी टक्कर देने के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट, F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। इसके अलावा लॉकेट मार्टिन का F-21, रशिया का SU-35 और MiG-35 और इसके अलावा यूरोफाइटर टाइफून जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं ये कम्पीट कर रहे हैं। और इसमें से दूसरा एयरक्राफ्ट जो सबसे ज़्यादा टक्कर दे सकता है राफेल को इस पूरे टेंडर में, वो यूरोफाइटर टाइफून या MRFA के अंतर्गत F-15EX ही हो सकते हैं। F-15 को लेकर के आप सब ने देखा है कैसे बोइंग एग्रेसिव वे में इसको पिच कर रही है, तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन अभी भी राफेल जो है ये फ्रंट रनर बना हुआ है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों की सर्विस में ये आने वाले हैं और ऐसे में भारत को लॉजिस्टिक इशूज़ ना उठाने पड़े इसके लिए राफेल ही एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। MRFA के डिले होने की जो सबसे बड़ी कारण बताई जा रही है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस ही है, क्योंकि कुछ ओरिजिनल इक्विपमेंट और फॉरेन वेंडर ऐसे हैं, मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो कि फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के कंफर्टेबल नहीं है, जो कि भारत की तरफ से डिमांड करी गई है। वेंडर्स बेसिकली अपने जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनको शेयर नहीं करना चाहते, स्पेशली ऐसी चीज़ें जिनको विकसित करना काफ़ी दूभर हो और सब देश उनको विकसित भी ना कर पाए हों, जैसे कि एडवांस एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी जिसमें एवियोनिक सेंसर और वेपन सिस्टम शामिल हैं। इनकी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर के जो फॉरेन वेंडर्स हैं ये कंफर्टेबल नहीं है और ये चीज़ हमने बीते समय के साथ कई बार देखी है। और एक डिले का कारण ये भी रहा है कि जो निगोशिएशन है ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को लेकर के ये एक लेंथी प्रोसेस है और इसमें कितनी सहमति मिल पाती है इसके बारे में कोई स्पष्ट शब्दों में बात नहीं कर सकता, जबकि भारत ये चाहता है कि MRFA के अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किए जाएं इनके लिए जो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है ये भी भारत में किया जाए और भारत का जो एविएशन सेक्टर है, एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको विकसित करने में ये सहायता दें। भारत का ये कहना है कि इन एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन से लेकर के मेंटेनेंस तक का जो काम है जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है ये विदेशों में ना होकर के भारत में ही हो, जिसके लिए भारत को बार बार ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का मुंह ना देखना पड़े। अब जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये कभी भी मिल सकती है जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और उसके बाद जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है इसको एक बड़ा किक स्टार्ट मिलेगा और कभी भी जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये इशू किया जा सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडिजनाइजेशन को लेकर के जो बातचीत है ये पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो RFP है वो इशू की जाएगी और फिर जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन किया जाएगा। हालांकि अगर हम डसाल्ट एविएशन के पूर्व के दिए गए बयानों की बात करें तो डसाल्ट एविएशन ने पहले भी अपने बयानों में ये कहा था कि अगर भारत की तरफ से जो नंबर हैं ये 80 से ऊपर या 80 के आसपास होते हैं तो भारत में जो लोकल प्रोडक्शन लाइन है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए तैयार है, जो कि राफेल की सेकेंड प्रोडक्शन लाइन भारत में होगी, यानी कि भारत में वो राफेल के प्रोडक्शन लाइन को खोलने के लिए तैयार है। और ऐसे में जो एयरक्राफ्ट का निर्माण है वो यहाँ पर किया जाएगा, जहाँ से ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने का प्रयास उनकी तरफ से किया जाएगा बल्कि जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट है ये भी पूरी की जाएंगी और MRO सपोर्ट भी उनकी तरफ से दिया जाएगा, जहाँ पर भारतीय नौसेना और वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट हैं इनकी मेंटेनेंस का कार्यभार संभाला जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, भारत को इसमें डिले करनी चाहिए या कोई अगला कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।